पन्नावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाए बेल आइकॉन बटन को पाए लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ये भाई तू क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और बहुत मतलब एक नमस्कार जिस तरीके से रुगाराम जी आगराधे तुलसीराम सुतार जो मतलब एक अपने धार का एरिया है और इस इलाके के अंदर ये कॉलेज बनने के बाद में बहुत सारी सुविधाएं मतलब एक जो दूर जाते थे पढ़ने के लिए जो लड़के लोग उन बच्चे बच्चियां जो जिनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें अभी मतलब जो बन रहा है इसके अंदर कितने तक और क्या क्या सुविधाएं इसमें जो विकास हुआ है, और हमने थोड़े दिन पहले भी आपका उधर से एक खबर लगाई थी कि उसमें निर्माण कार्य के बारे में जो ठेकेदार की एक लापरवाही भी सामने आई थी, उसके बाद में कितना क्या मतलब अच्छा सुधार हुआ है और उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। सर बाईतू के अंदर हमारे कॉलेज की समस्या थी, वहाँ पर स्टूडेंटों को पढ़ने के लिए 100-150 किलोमीटर दूर जाकर कॉलेज एजुकेशन लेनी पड़ती थी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से निवेदन किया और हमारे बाईतू के अंदर कॉलेज की स्थापना की, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। और साथ ही हमारे बाईतू के अंदर कॉलेज का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ के स्टूडेंटों में बहुत उत्साह है और पूरे क्षेत्र के अंदर भी बहुत उत्साह है। आने वाले 13 तारीख को हमारे केंद्रीय मंत्री CR चौधरी साहब आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर छात्र जैसी सुविधाएं होनी चाहिए कॉलेज के अंदर वो निश्चित रूप से पूर्ण सुविधाओं युक्त ये कॉलेज बनाया गया है और आने वाले टाइम में इस विद्या कॉलेज से जो छात्र निकलेंगे वो निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र के लिए नाम रोशन करने वाले स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे जी। और दूसरा आपने जैसा कि कहा कि एक जो ठेकेदार की लापरवाही का जो बताया था जी। वो ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, वो ITI कॉलेज का मामला है जी। और उस ITI कॉलेज का उसका भी हमारे यहाँ पर आवश्यकता थी और उस कॉलेज का भी हमने स्वीकृति करवाई और उसका काम भी प्रारंभ हो चुका है और उसके अंदर उस ठेकेदार की अनियमितता थी तो हमने अधिकारियों से कहा, उसके बाद में अब वो काम ठीक चल रहा है और वो भी समय पर पूर्ण हो जाएगा और बाईतू के अंदर ITI कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों की स्वीकृति हो चुकी है और दोनों के काम प्रगति पर है जी। और अभी स्टूडेंटों के अंदर बहुत उत्साह है। अच्छा, दूसरा ये है जैसे अपना बाईतू क्षेत्र बहुत लंबा है जिसमें मेरी जानकारी में है शायद 47 ग्राम पंचायत है अभी गेड़ा अलग होने के बाद में, शायद मुझे इतनी जानकारी है जितनी मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ इस मुख्यालय के ऊपर जब भी मान लीजिए कभी आगजनी की घटना होती है आसपास के क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा तकलीफ इधर रहती है, तो एक मतलब अग्निशमन यात्रा जो मुख्यालय पे होना चाहिए उसके बारे में काफ़ी बार में हमने भी लिखा है और अन्य पत्रकारों ने भी लिखा है और आपसे मांग भी की है मौखिक रूप से, तो उसके बारे में अगर आपके आगे मतलब कोई प्रक्रिया है या आपने बता रखा है या आप इस बारे में थोड़ा सा। ऐसा है कि ये रेगिस्तान है और दोरों के अंदर और ढाणियों के अंदर लोग रहते हैं जी, और कई बार ऐसी आगजनी घटना होती है कि जिसकी वजह से वो ढाणी पूरी जलकर स्वाह हो जाती है जी, और एम्बुलेंस तो पहुंचती है उससे पहले ही वो सब कुछ उसमें ख़त्म, फायर ब्रिगेड की तो उससे ख़त्म हो जाता है। इसके लिए मैंने निवेदन किया है मुख्यमंत्री जी से कि एक पंचायत समिति स्तर पर एक अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है जी तो उसका हम सबको लाभ मिलेगा, तो इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ जी। अच्छा, जो एक ये आपने अपना जो बाईतू से जो निकल रहा है जो स्टेट हाईवे है अभी जो मतलब उसका बजट भी स्वीकृति हो चुकी है, उसके निर्माण को लेकर स्टार्टिंग अभी इस सत्र में होगा या उसके बारे में थोड़ा सा। ऐसा है, मैं इस नेशनल स्टेट हाईवे था जी, अभी इसको नेशनल में कर लिया, लेकर पोखरण फलसुण रामनाथ तक जो स्टेट हाईवे था उसके हमारी मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी जब बाईतू आए थे अरणेश्वर धाम में मंदिर में वहाँ हमने उनसे निवेदन किया तो उन्होंने उसको नेशनल हाईवे घोषित कर दिया और वो नेशनल हाईवे बन चुका है, उसका हो गया है और उस रोड का टेंडर भी हो गया है। अब वो आने वाले बहुत जल्दी टेंडर ठेकेदार अपनी प्रक्रिया में काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये नेशनल हाईवे जो यहाँ से बाईतू से लेकर और नाचना तक जो बनने वाला है उसके टेंडर प्रक्रिया में और बहुत जल्दी एक नेशनल हाईवे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जैसे मान लीजिए इस इन दिनों में बाड़मेर के अंदर युवा वर्ग को लेके एक हनुमान बेनीवाल जी करके जो क्यूंसर से विधायक है वो यहाँ रैलियाँ कर रहे हैं और अभी आगामी 7 जनवरी को उनकी एक बाड़मेर से रैली का भी आयोजन है, हुंकार रैली का, तो उससे अपने क्षेत्र में कुछ फर्क पड़ेगा या कुछ बदलाव रहेगा क्या रहेगा? ऐसा है, वो अपनी अपनी राजनीति है, राजनीति कर रहे हैं, उसमें
उन सबको अपनी स्वतंत्रता है, पार्टी भी बनाना चाहे तो वो पार्टी बना सकता है, वो अगर काम अपना किसानों के क्षेत्र में, कोई भी भारतीय जनता पार्टी है जिसके काम से पूरे प्रदेश में और हमारे राजस्थान और बाड़मेर जिले के किसान खुश हैं। और मैं तो ये धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि किसानों के पिछले लगातार 3 वर्ष से किसानों के ऊपर जब भी कोई आपदा आती है या उनके अकाल पड़ता है तो मुआवजे के तौर पर हमारे किसानों को तुरंत प्रभाव से राहत दी गई है जी। और जो क्लेम के पैसे हैं वो बिल्कुल उनको खातों के अंदर सीधा डाला गया है जी। और पिछले 3 वर्षों से और इससे पहले जी कांग्रेस ने हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति की थी जी। उन्होंने किसान के हित की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमारी सरकार में चाहे फसल बीमा नीति लागू की तो हमने की, किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हो तो भी हमने प्रारंभ किया, इसलिए यहाँ के और अभी जो क्लेम के रूप में भी पिछले 3 साल के अंदर बाड़मेर जिले को 3,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजे के तौर पर दिए गए, जो आज दिन तक का सबसे बड़ा इतिहास है। कांग्रेस के समय में तो ये मिलता भी नहीं था, लेकिन हमारी 3 साल के अंदर 3,000 करोड़ रुपए बाड़मेर जिले को, एकमात्र बाड़मेर जिले को 3,000 करोड़ मिले जो किसानों को सीधे खातों में डाले गए। इसलिए राजस्थान बाड़मेर का किसान अपने आप को निश्चित रूप से खुशहाल है, किसान की समस्या है तो उसके साथ में सरकार साथ में खड़ी है। हाँ, ये जरूर है राम रूठ जाता है लेकिन राज नहीं रूठता, ये तय है। और इसलिए चाहे वो दूसरे कोई भी अगर आए तो उनको स्वतंत्रता राजनीतिक क्षेत्र में काम करे, वो उनकी चाहे रैली करे चाहे कोई भी करे, लेकिन बाड़मेर के किसान है वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। शौचालयों का कहीं जगह पे मान लीजिए शौचालय बना लिए लोगों ने अभी भी, और काफ़ी जगहों पे उनके बारे में बजट भी अटका हुआ है, अभी तक किसी को मिला भी नहीं है। और लास्ट में एक आपसे यही पूछना चाहूँगा, दीनदयाल योजना है जो जिनमें काफ़ी परिवार बोल रहे हैं, सर्वे हुआ है लेकिन वंचित भी है, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। इसमें शौचालय के बारे में मैं आपको बता दूँ कि शौचालय जितने भी अगर जिनके तैयार कर दिए हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए हैं उनके पैसे सीधे उनके खातों में डाल दिए गए, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए हैं या जियो टैगिंग के माध्यम से जो उनको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने चाहिए थे वो अगर नहीं हुए तो वो जमा जैसे ही करवा देंगे उनके खाते के अंदर पैसा सीधा आ जाएगा, इसलिए ये कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं है जी। और दूसरा रही बात, आपने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की बात की है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी कहकर इस योजना को लागू करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2018 तक इस प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस घर में लाइट नहीं होगी। इन कांग्रेस के शासन के अंदर हमेशा ना किसान के नाम पर कहा राजनीति की, लेकिन वास्तव में धरातल पे काम नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो प्रारंभ की है उसके टेंडर हो चुके हैं, ठेकेदार ने काम प्रारंभ कर दिए हैं। और मेरे विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 12 पंचायतों के अंदर अभी काम चल रहे हैं और जो नियत समय के ऊपर ठेकेदार को कहा गया है, हम भी प्रयास कर रहे हैं ग्राम ज्योति योजना से काम